KGF चैप्टर 2। आज हम लोग ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, मूवी देख के आते हैं और आपको बताते हैं कि मूवी कैसी है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। मैंने मूवी की टिकट अभी अभी बुक करी है। गोलू को बहुत मन था KGF देखने का, KGF चैप्टर 1 उसको बहुत पसंद आया, हम लोग को भी बहुत पसंद आया। और आजकल साउथ की मूवी क्या मस्त बन रही है, बाहुबली हम लोग को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले RRR देखने गए थे मैं, गोलू और ज्योति, और गोलू ज्योति तो RRR दोबारा देखने गए थे। सो अभी अभी KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई है, ज्योति गोलू को देखने का बहुत मन था और इन लोग को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अभी टिकट बुक करा लिया है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं, हमारा शो है 7:15 बजे का, कलर्स मॉल का टिकट बुक कराया है मैंने और यहाँ से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो अभी अभी मैं ऑफिस में हूँ, घर से लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा ऑफिस, तो अभी चलते हैं घर। ज्योति गोलू तैयार हो गए होंगे, वेट कर रहे होंगे मेरा, और चलते हैं मूवी देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। मेरा ऑफिस घर से लगभग मात्र 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वैसे रोज मैं गाड़ी में आता हूँ बट आज मैं पैदल आया हूँ, सोचा कि थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, अब पैदल ही आऊँगा जाऊँगा। लेकिन धूप बहुत तेज रहता है दोपहर में और रायपुर का ऐसा वेदर है कि दिन में तो आप कहीं निकल ही नहीं सकते। जो भी आपको काम है या तो अर्ली मॉर्निंग कर लो या तो शाम को या रात को करो। देखिए हमारी गली का रास्ता ब्लॉक है, ब्लॉक इसलिए है क्योंकि रात को ही ये जो कॉन्क्रीट है ना, ये कॉन्क्रीट किया हुआ है, तो अभी बाइक वाइक निकालते नहीं बन रहा है। सो पैदल जाने का मुख्य कारण वही था। वैसे अभी सूख गया है, अभी निकाल लेंगे गाड़ी, ऐसा लग रहा है कि अभी निकाल सकते हैं। रेडी गोलू? हाँ। और मम्मी? मम्मी आ गई है। 6:30 बज गया ज्योति, जल्दी चलो। तो ज्योति भी तैयार हो चुकी है, निकल रहे हैं हम लोग। पता नहीं मैंने आप लोगों को पहले कभी बताया है कि नहीं, मूवीज़ का मेरे को बहुत शौक है कॉलेज से ही। ये बात है 2001-2 की, आज से लगभग 10 साल पहले। उस समय बिलासपुर में मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे 10, 12 या 14 टॉकीज थी, तो मैं कोई भी मूवी नहीं छोड़ता था। खैर आजकल तो मोबाइल और फिर टीवी पे सारी मूवीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो इस तरह की मूवीज़ हैं RRR या फिर बाहुबली या KGF, ये सब थिएटर में ही देखने का मज़ा आता है, टॉकीज में ही। टॉकीज से याद आया, यहाँ पे एक टॉकीज भी है, राज टॉकीज, जहाँ पे टिकट का किराया, टिकट है 80 रुपये, और जो हम लोग जा रहे हैं मॉल में देखने के लिए वहाँ पे टिकट है 250 रुपीज़। जब मैं कॉलेज में था उस समय टिकट था 10-15 रुपये। 20 रुपये में जाती थी। ये हम लोग पहुंच गए कलर्स मॉल, बाइक पार्किंग में लगाते हैं और थिएटर में मॉल में अंदर घुसने के बाद ये देखो क्या देखने को मिला मेरे को। HD खड़ी है, जावा, उधर स्क्रैम्बलर खड़ी है और जावा की, ये तीनों बाइक्स खड़ी हैं। बैठ कर देख, गोलू बैठेगा तो बच्चा बड़ा हो गया हमारा, पूरा आराम से बैठ गया। जावा की ये स्क्रैम्बलर भी खड़ी है और जावा परेक भी खड़ी है और इस तरफ रोडस्टर भी खड़ी है, क्या बात। वैसे HD की जो एडवेंचर है, जब वो आई थी तो मैं उसका टेस्ट राइड के लिए गया था, उसमें डेमो बाइक नहीं थी वहाँ पे। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि डेमो बाइक आ गई है, तो एक दो दिन में जाके उसका भी टेस्ट राइड कर सकते हैं हम लोग। और मूवीज़ की बात कर रहा था, तो मूवीज़ का असली मज़ा तो थिएटर में ही आता है। इससे पहले जो मैंने मूवी देखी थी RRR थिएटर में, गोलू और ज्योति के साथ में, हम लोग आज तक जब भी मूवी आते थे तो हमेशा हड़बड़ी में आते थे, लास्ट मोमेंट पे, तैयार होने में बहुत टाइम लगाती थी। तो आज ये जल्दी तैयार हो गई है, तो हम लोग जल्दी आ गए हैं, गाड़ी भी धीरे धीरे चलाते हुए आए हैं और अभी 10-15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि आप जल्दी बुकिंग कर दिए थे। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ और मम्मी जल्दी तैयार भी हो गई थी, इसीलिए जल्दी आ पाए। ऐसे ही तैयार हो जाया करो कहीं जाते हैं तो। थिएटर का जो टिकट होता है उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, यहाँ का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। तो ज्योति गोलू यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पापा को बोला जाए और पॉपकॉर्न लिया जाए। बोल रही है मम्मी, बोल रही है क्या चाहिए? बाल्टी चाहिए, पॉपकॉर्न का बाल्टी चाहिए।
कोक और पॉपकॉर्न का इसको बाल्टी चाहिए, कितने का है ज्योति? 410। टिकट है 250 की और ये पॉपकॉर्न है 450 का, तो ये लोग ना टिकट से ही कमाते होंगे बोलू। पॉपकॉर्न से कमाते हैं। और ये मॉल वाले पॉपकॉर्न वाले इतने स्मार्ट हैं, नीचे पार्किंग में भी खुशबू आ रही है पॉपकॉर्न की, लालच दिला रहे हैं। लेंगे इंटरवल में लेंगे। सो हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये मूवी चालू हो रही है, फिनिश होने के बाद मिलता हूँ या इंटरवल में मिलता हूँ आप लोगों से। अभी इंटरवल हो रहा है, गोलू ज्योति जा रहे हैं कुछ खाने पीने का लेने के लिए, और ठीक है जा लेते हैं। और अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल तक तो मूवी बहुत फास्ट चल रही है, फास्ट पेस में है, और क्या सिनेमेटोग्राफी है यार, क्या कलर ग्रेडिंग है, मज़ा ही आ जा रहा है। पूरा पैसा वसूल मूवी है इंटरवल तक तो, इसके आगे का बताता हूँ। एक बार हमारे MS के सलीम भाई बोले थे कि अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए भी मूवीज़ देखना आवश्यक है, और मूवीज़ देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं एज अ एडिटर, एज अ वीडियोग्राफर मैं देख रहा हूँ मूवी को कि कैसे कट्स लगे हैं, कैसे एडिट हुआ है, कैसे साउंड डिजाइन हुआ है, कलर ग्रेडिंग है। मतलब पहले एज अ व्यूअर देखता था तो मूवीज़ अलग तरीके से देखता था, आज एज अ एडिटर, आज एज अ कैमरामैन मूवी देख रहा हूँ तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। खुशी तो देखो, चेहरा तो देखो, चेहरा तो देखो गोलू का। चलो मूवी चालू हो गई है गोलू। Violence likes me. I can't avoid. बज चुके 10:15, अभी अभी हम लोग आ रहे हैं मूवी देख के। सबसे पहले गोलू बताएगा अपना इम्प्रेशन। मेरे को तो मजा आएगा, और आखिर में ना सीट छोड़ के मत जाना, आखिर में एक और इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग देखने आए थे RRR, वो एक नंबर मूवी थी, वो पैसा वसूल मूवी थी। और अभी ये वाला जो KGF चैप्टर 1 था, वो उसमें और ज़्यादा मज़ा आया था। चैप्टर 2 का जितना उम्मीद था, जितना हाइप बना हुआ था, उतना मज़ा मेरे को तो नहीं आया भाई। तो डबल देखी, इतना मज़ा मैं कभी दिखाएगी तभी और देखूंगी। और KGF 2 का आप देखने जा चलोगी? नहीं। गोलू तू चलेगा? गोलू को मज़ा आया? गोलू ना, गोलू को मज़ा आया ना बस। चलते हैं घर, चलते हैं, 10:30 बजने वाला है। बज गया। तो अभी मेरे को गोलू समझाया है कि पापा मूवी को ज़्यादा वो मत बोलो, जो लोग को मूवी पसंद आएगी उन लोग गुस्सा हो जाएंगे बोल के। तो पसंद की बात है, गोलू को बहुत ही पसंद आई, आप लोगों को भी शायद पसंद आएगी, बहुत सारे लोगों को, किसी को पसंद नहीं भी आ सकती है। बट अभी घर आने के बाद क्या हुआ गोलू? बहुत ही मजा आ गया। पापा ना एक पोस्ट डाले थे MBA चाय वाले के सामने। MBA चाय वाला जो कैफे खुला है रायपुर में, उसके सामने मैं खड़ा था, मतलब एक फोटो खिंचाया था जब मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया था, तो वो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम में। और भाई उस पोस्ट पे प्रफुल्ल बिल्डर कमेंट किए थे खुद। इतना ही नहीं, अभी आने के बाद में जब मैं गोलू को बताया कि बेटा प्रफुल्ल चाचू कमेंट किए हैं हमारे पोस्ट में, फिर हम लोग इंस्टाग्राम देखे तो प्रफुल्ल भाई खुद लाइव थे इंस्टाग्राम पे। फिर गोलू बोला कि लाइव रिक्वेस्ट सेंड करो। हाँ। फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट भी कर लिए, फिर बात भी की हम दोनों। काश की वो वाला जो लाइव में हम लोग उनसे बात किए, वो अगर वो सेव कर लेंगे इंस्टाग्राम में, तो वो डाउनलोड करके एक छोटा सा क्लिप लगा देंगे यहाँ पे व्लॉग में। अगर वो हो गया तो ये क्लिप देखिए क्या क्या बातें हुई हमारी। व्यू रिक्वेस्ट, बाप रे बाप, 1200 रिक्वेस्ट रायपुर से। भैया रायपुर में हमारा आउटलेट है, जाने का उधर चाय पीने आने का। हेलो, कैसे आप? मैं बहुत मस्त प्रफुल्ल भाई, आज तो मेरी निकल पड़ी, मेरे फोटो पे आपका कमेंट भी गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि यार आप खुद लाइव पे आए हुए हो, फिर मैं बोला यार रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आज तो मेरा दिन बन गया। बड़ा रैंडम हुआ ये, और मैंने आपका फोटो आपने हैशटैग यूज किया उसमें ऐड कर दिया। हां वो मेरे को टॉप पे दिखता है जब भी मैं देखता रहता हूं, तो मैंने लव का फोटो था, गाना भी अच्छा लगा रखा था आपने उसके ऊपर। अरे था कि ये आपका आप यहाँ हो भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो योग सहयोग की बात है, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त सहयोग की बात है। और मैं मोटो व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं, और अच्छा। आपका बहुत
बड़ा वाला फैन हूं मैं, बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो आप। ये मेरा बेटा है, मैं इसको बोल रहा था कि प्रफुल्ल चाचू आए हुए हैं अभी लाइव पे, मैं रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ कि कैसे। यस मेरी भाइयों से बात और हाँ, मैं ये हेडफोन निकाल, ये ले बेटा। कैसे हो बोलू आयुष? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हो क्या? हाँ, मैं एक आपका रिव्यू वीडियो देखा था, एक एक लड़की थी उनके साथ आपका रिव्यू, और वो रायपुर की थी और वो पूछ रही थी कि आप रायपुर कब आ रहे हो और रायपुर में आपका कैफे कब लगेगा। तो गोलू मेरे को पहली बार बताया कि प्रफुल्ल चाचू रायपुर आने वाले हैं, तो अपन वेट कर रहे हैं कि आप कब आओगे। रायपुर में आऊंगा, हमारे रायपुर के जो फ्रेंचाइज ऑनर है वो भी बहुत टाइम से बुला रहे हैं, बहुत सारे मैसेज बिलासपुर दुर्ग भिलाई से आते हैं, कोरिया से आते हैं, मुझे क्या रायपुर कब आ रहे हो, तो मैं रायपुर जाऊंगा। और आप क्या करते हो आयुष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ? मैं भी 8th क्लास में हूं। अच्छा, और पापा की तरह यूट्यूब, पापा यूट्यूबर बन गए, आपको यूट्यूबर नहीं बनना 8th क्लास में? मेरे को तो पायलट बनने का मन करते हैं। काम करिए आप, YouTube पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर कीजिए, अपने बच्चे आयुष को, मेरे छोटे भाई को, आपको पायलट बनाना है, आप DM कीजिए मेरे लायक जो भी जो मतलब सुविधा हेल्प में कर पाऊंगा आई विल डू। और मैं देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान को 5th इकोनॉमी, जिसमें इसका पायलट बनना और आपका बहुत बड़ा यूट्यूब ब्लॉगर बनना बहुत जरूरी है, तो आप छोड़िएगा मत। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आयुष भाई, बाय 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 बाय, चिंतामन बाय बाय। बढ़िया यार, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में, जो 8th की क्लास में उसको पायलट बनना, हम तो 8th की क्लास में हमको मुंह धोते नहीं आता था। जब भी वो रायपुर आएंगे तो पक्का चलेंगे गोलू हम लोग मिलने और चाय पियेंगे, और वो बोले भी हैं कि कुछ भी हो जैसा भी हो, गोलू बोला कि मेरे को पायलट बनना है, तो वो एकदम खुश हुए और बोले कि जो भी हो जैसा भी हो, आपको गोलू को पायलट बनाना है, कोई भी हेल्प लगेगा मेरे को DM करना। इतना बोल दिए वो काफी है भाई। ओके, तो आज का हमारा दिन बन गया, थैंक यू सो वेरी मच प्रफुल्ल भाई, और एकदम एनर्जी ही आ गया हमारे अंदर, फुल पॉजिटिविटी। ओके गोलू, डू यू वांट टू से एनीथिंग? देख इंग्लिश भी निकल रहा है मेरे मुंह से। अरे मैं अभी चिल्ला दिया ना बहुत तेज से, उनसे बात किए तो मैं गलत रट दे रहे हो। मजा आ गया भाई। हाँ बहुत मजा है। ओके यो, चेक इट आउट गोलू, ये सही है या सपना है, एक बार चिकोटी काट के बता। सही है भाई, भाई प्रफुल्ल बिल्लौरे भाई हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, अभी अभी फॉलो उनका आया गोलू, और मेंशन भी किए, अभी मेंशन भी किए अपनी स्टोरी में, ये सच है ना गोलू? सपना अपना तो नहीं है? ओ, सच है। अब तो प्रफुल्ल भाई आएंगे तो पक्का उनसे मिलेंगे, अब हम लोग जहाँ भी MBA चाय वाला का स्टॉल होगा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वहां पे जाके दिखा सकते हैं उनके स्टॉल में कि देखो प्रफुल भाई हमको फॉलो करते हैं। उनके स्टाफ को दिखाएंगे। डे टू, अभी मैं ऑफिस में हूँ, और कल जो कुछ हुआ, प्रफुल्ल बिल्लौरे भाई से बातें हुई, अभी भी सपना जैसा लग रहा है, और रात को प्रफुल्ल भाई ने मेरे को DM भी किया था, वॉइस मैसेज भी भेजा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो रायपुर आते हैं, मैं, गोलू, ज्योति, हम लोग सब मिलने के लिए जाएंगे उनसे। और जो लोग प्रफुल्ल भाई को फॉलो नहीं करते हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा फैन मूवमेंट था मेरे लिए। मेरे को अभी भी याद है कि ऐसे ही एक बार मुंबई का निखिल भाई ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था, इतनी प्रसन्नता हुई अंदर से, मैं क्या बताऊँ। और लास्ट दो वीडियोस में आप लोगों का जो रिस्पांस मिला, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। ये लास्ट दो वीडियोस मैंने काफ़ी लंबे लंबे वीडियो बनाए थे, एक था 22 मिनट का, एक था 25 मिनट का, आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अप्रिशिएट किया। मैं पहले काफ़ी फास्ट कट्स लगा के वीडियो बनाता था, शॉर्ट बनाने की कोशिश करता था कि जितना शॉर्ट मैं बना सकूँ उतना शॉर्ट बनाऊँ, और उस चक्कर में क्या होता था, वीडियो की पेसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, बहुत फास्ट, कई बार वीडियो समझ में नहीं आता था कि कहाँ चालू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट दो वीडियो मैंने इत्मीनान से एडिट किया, सो आप लोगों ने पसंद किया, तो इस तरह से लंबे व्लॉग्स भी अब आते रहेंगे। नेक्स्ट मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगले वीडियोस की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ट्रैवलिंग की भी तैयारी कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल राइड तो है ही, जैसे आपको पता है कि मई के फर्स्ट वीक में मैं एक राइड पे जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ बजट ट्रैवलिंग भी ट्राई करेंगे हम लोग, बैकपैकिंग ट्रिप, ट्रेन से, बस से, इस तरह से लिफ्ट लेके, हिच हाइकिंग, इस तरह का ट्रैवल भी अपन ट्राई करेंगे। प्लान्स बहुत सारे हैं, जिस प्रकार से आप प्यार बना के रखे हो, सपोर्ट बना के रखे हो, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, और
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपके कोई भी शिकवे शिकायत सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मेरे को पता चलता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है और आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा बात करो, कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें। प्यार जितना बांटेंगे उतना मिलता है। सो राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। चिंतामणि भैया बहुत अच्छा लगा, और हाई सच्ची मुझे नहीं पता था एकदम से मैंने आपका इंस्टाग्राम लाइक सब किया। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ कि आप इतने टाइम इतनी उम्र में यूट्यूबर हैं, और आपका बेटा आयुष जो मेरा छोटा भाई है उसे पायलट बनना है। अब उसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा और अपने खुद का भी ख्याल रखिएगा। आप गाड़ी चलाते हैं, बड़े तेज़ी से चलाते हैं, आपका यूट्यूब भी मैंने सब्सक्राइब किया, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ करते रहिए। और आयुष को बोलिएगा उसे पायलट बनना ही है, उसका बड़ा भाई हमेशा से उसके हालचाल पूछता रहेगा, और जितना जल्दी हो सके मैं रायपुर आऊँगा, सबसे पहले मुलाकात आप दोनों से करूँगा। एंड यू आर सच ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बींग, एंड आपका बेटा और आपकी दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।